From this to this. Let's go. हेलो हेलो हेलो, स्वागत है मेरे चैनल पे गाइस। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये पौधों के बीज जैसे दिखने वाले चीजों के बारे में। ये एक्चुअली एक्सटाटोसोमा टियाराटम या ऑस्ट्रेलियन जायंट प्रिकली स्टिक इंसेक्ट के अंडे हैं, या ओवा भी बोलते हैं इसको। एंड जैसे इनके नाम से पता है, ये जो स्टिक इंसेक्ट है ये ऑस्ट्रेलिया का है। तो चलो बात करते हैं पहले इन अंडों के बारे में थोड़ा। सो गाइज, ये जो एग्स हैं ये बिल्कुल एक पौधे के बीज जैसे दिखते हैं। इसके एक एंड पे एक फैटी कैप्सूल है, उसका नाम है कैप्यूचुलियम। तो इसका बेसिकली काम यह है कि ये एक फेरोमोन सिक्रीट करेगा जो एक पर्टिकुलर टाइप के एंट को अट्रैक्ट करता है। वो एंट है रेड हेडेड बुल एंट। इस एंट के नेस्ट में फेवर जो कंडीशंस हैं वो इस अंडे के लिए बहुत फेवरेबल होते हैं। तो ये जो चींटी है ये बेसिकली इस अंडे को ले जाएगा, वो जो फैटी कैप्सूल है उसको खा लेगा और बाकी के ओवा को अपने नेस्ट में स्टोर कर देगा। तो जो ओवा है वो आराम से विदाउट एनी प्रेडेटर्स वगैरह के नेस्ट में इंक्यूबेट हो सकता है। सो इस पर्टिकुलर स्पीसीज में जो फीमेल्स हैं वो विदाउट ब्रीड करे भी अंडे प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। और जो बच्चे पैदा होंगे वो अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होंगे और सारे के सारे फीमेल होंगे। पार्थेनोजेनेटिकली प्रोड्यूस्ड अंडों को हैच होने में करीब 9 महीने लगते हैं। बट अगर मेल हुआ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और जो अंडे पैदा होंगे वो बेसिकली 3 से 4 महीने में हैच हो सकते हैं। तो चलो अब बात करते हैं इन अंडों के इंक्यूबेशन के बारे में। तो गाइज, इंक्यूबेटर को सेटअप करने के लिए आपको टिश्यू पेपर की जरूरत होगी, आपको एक कंटेनर की जरूरत होगी जिसपे होल्स ड्रिल्ड होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा होल्स भी नहीं होने चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि इस डब्बे के अंदर मॉइस्चर मेंटेन रहे। और इसको छोड़ के आपको आरओ वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो चलो अब इंक्यूबेटर को सेटअप करते हैं। तो गाइज, इंक्यूबेटर को सेटअप करने के लिए बेसिकली सबसे पहला स्टेप है कि टिश्यू पेपर लेके जो कंटेनर है उसके बेस पे एक थिक लेयर बना दे एंड बस उसके ऊपर फिर आरओ वाटर स्प्रे करना है। पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बस एक मॉडरेट अमाउंट होना चाहिए। पानी स्प्रे करने के बाद इसमें हम एग्स डाल देंगे और इंक्यूबेशन के लिए रख देंगे। तो गाइज, नेक्स्ट स्टेप है कि हम इन अंडों को 25 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करें एंड हमको वीकली इस पे पानी भी स्प्रे करना है। बेसिकली एक बार आपका टिश्यू पेपर जब ड्राई हो जाए आप एक दिन छोड़ दीजिए ताकि जो अंडे हैं वो ड्राई हो जाए एंड फिर आप पानी स्प्रे करिए। इससे क्या होता है ना, मोल्ड ग्रोथ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड आपको ये सेम प्रोसेस थोड़े महीनों के लिए रिपीट करना है और इवेंचुअली इसमें से जो बच्चा है वो हैच हो जाएगा। इन बच्चों को बेसिकली निम्फ बोलते हैं। सो गाइज, मेरा जो इंक्यूबेशन प्रोसेस था वो सक्सेसफुल रहा और हमारे पास अपना पहला निम्फ है। आप देख सकते हैं कि इस स्टेज पे जो निम्फ है वो बिल्कुल एक रेड हेडेड बुल एंट की तरह ही दिखता है। ये ऐसा इसलिए दिखता है कि ताकि ये आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम जो एंट का नेस्ट है उससे एस्केप कर सके। अगर ये उन एंट जैसा नहीं दिखता तो बाकी के जो एंट्स हैं वो इसको अटैक करके इसको खा जाते। तो चलो अब इसका इंक्लोजर सेटअप करते हैं। सो गाइस, मैं इस डब्बे को इंक्लोजर के लिए यूज करने वाला हूँ। इस स्पीसीज को बहुत ज्यादा वेंटिलेशन की जरूरत है तो मैंने जो लिड है उसको ऊपर से काट दिया है एंड बॉक्स के साइड में काफी सारे वेंटिलेशन होल्स बना दिए। तो चलो इसको सेट करते हैं। सो गाइस, मैं इस इंक्लोजर में बेसिकली टिश्यू पेपर का एक लेयर बिछा दूंगा बॉटम में क्योंकि वो साफ करने के लिए बहुत ज्यादा इजी होता है। तो टिश्यू पेपर बिछाने के बाद मैं उस पर पानी थोड़ा सा स्प्रे कर दूंगा। तो गाइज, अगला स्टेप है कि हम इस इंक्लोजर में इसका फूड प्लांट इंट्रोड्यूस करें। तो वाइल्ड में ये लोग यूकिलिप्टस खाते हैं लेकिन कैप्टिविटी में हम लोग इनको रोज, ब्रैम्बल, प्रिवेट, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, मैंगो और गुआवा के भी पत्ते दे सकते हैं। मैं मोस्टली गुआवा के पत्ते यूज करूंगा क्योंकि बहुत ईजिली मिल जाते हैं मेरे घर के पास, लेकिन बीच बीच में मैं इनको मैंगो, रोज और यूकिलिप्टस के भी पत्ते ऑफर करूंगा।
जो निम्स होते हैं उनको बेसिकली पत्तों को डायरेक्टली खाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है इतने छोटे साइज पे। तो बेस्ट होता है कि आप या तो पत्ते के जो एजेस हैं उसको काट दे या लीफ को थोड़ा डैमेज कर दे ताकि ये लोग ज्यादा इजिली च्यू कर सकें उस पत्ते को। पत्तों को फ्रेश रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि उन पत्तों के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो। तो इसके लिए बेसिकली मैं एक छोटे से डब्बे के लिड में गड्ढा करूँगा, फिर जो पत्ते का जो पूरा ब्रांच होता है उसको मैं उस गड्ढे के थ्रू उस डब्बे के अंदर बेसिकली घुसा दूंगा, और जो डब्बा होगा उसमें मैं पानी भर दूंगा। तो जो ब्रांच है वो धीरे धीरे करके पानी सोकअप करते रहेगा और जो पत्ते हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए हाइड्रेटेड और फ्रेश रहेंगे। जो स्टिक इंसेक्ट्स होते हैं वो बहुत इजीली पानी में ड्राउन कर जाते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो स्टिक इंसेक्ट है वो गलती से भी इस पानी वाले डब्बे के अंदर घुस ना पाए। सो गाइस, जो मैंने लिड पे जो गड्ढा करा था उसमें मैं मैश अटैच कर दूंगा, तो इससे बेसिकली निम्फ एस्केप नहीं कर पाएगा और वेंटिलेशन बहुत अच्छे से होगा। सो ये है हमारा बेसिक सेटअप इस स्पीसीज के लिए। तो चलो अब निम्फ को उसके न्यू इंक्लोजर में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो गाइज, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, अगर आप यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि हम इस निम्फ को और मेरे बाकी जानवरों को बढ़ते हुए एक साथ देख सकते हैं। एंड मैं हर सैटरडे अपलोड करता हूँ, तो मैं फिर आपसे मिलूंगा अगले सैटरडे। बाय बाय।